Hello everyone, good morning. Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In the last lecture, we have started this unit hydrograph topic. We have seen a unit hydrograph, limitations of a unit hydrograph. We have also seen about the assumptions made while doing a unit hydrograph theory. And we have calculated an example for unit hydrograph. Now let's see one more example depends on this theory. So the hourly coordinates of 2 hour unit hydrograph are given below. Derive a 6 hour unit hydrograph for the same catchment. Right, time in hour and discharge in cubics यहाँ पे दिया है आपको. Hour आपको 1 hour के difference में दिया है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to 15. So while 0 hour था तब discharge 0 था, 1 hour के बाद वो था 1.2, 2 hour के बाद था 2.9, 3 hour के बाद था 5.2, 4 hour के बाद ये था 8.2, 5 hour के बाद था 10, 6 hour के बाद था 9.2, 7 hour के बाद था वो 7.7, 8 hour के बाद था 6.5, 9 hour के बाद था 5.2, 10 hour के बाद था 4.2, 11 hour के बाद ये है 3.1, और आफ्टर 12 hour डिस्चार्ज है 2.3, आफ्टर 13 hour 1.5, 14 hour इट्स 0.7, एंड एट 15 hour इट्स 0. सो व्हेन अ 3 unit हाइड्रोग्राफ ईच ऑफ 2 hours ड्यूरेशन आर एडेड टूगेदर प्लेस्ड एट अ 2 hour लैग, देन वी विल गेट द ऑर्डिनेंस ऑफ 6 hour सरफेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ्स. राइट, यहाँ पे हमें 2 hour के दिए हैं और कैलकुलेट करने को बोला है 6 hour, मतलब हमें 3 hydrographs अलग अलग ये 2 hours के ऐड करने पड़ेंगे. उसके बाद हमें 6 hour का मिलेगा, वो भी 3 centimeter का, मतलब उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से. जैसे आगे वाले एग्जाम्पल में क्या था, हमें 2 hour से 4 hour, सॉरी 3 hour से 6 hour में करना था, और हमने क्या किया था, उसको 2 ही बार कन्वर्ट किया था और उसको डिवाइड बाई 2 किया था. बट यहाँ पे हमें 2 hour के मतलब कि ऑर्डिनेट्स दिए हैं, उससे हमें 6 hour का फाइंड आउट करना है. मतलब कि यहाँ पे अप टू ये आवर्स दिया है आपको, राइट, 15 hour तक का. सो फर्स्ट 2 hour के ऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है, वो हमें लेने हैं. अब हम सेकेंड 2 hour के ऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने आवर का आपको दिया है और जितने आवर का आपको डिफरेंस चाहिए, उतना आपको यहाँ पे लेफ्ट आउट करना पड़ेगा. तो जैसे कि हम लोग सेकेंड 2 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ फाइंड कर रहे हैं, मतलब 2 hour को हम लेफ्ट कर देंगे, उसके बाद सारे जो ऑर्डिनेट्स हैं वो एज इट इज आएंगे. ठीक है, मतलब ये 1 and 2 ये मैंने लेफ्ट आउट कर दिया. अब 2 से डायरेक्ट स्टार्ट होगा, तो 2 पे आएगा 0, फिर 1.2, 2.9 अप टू दिस 0. राइट, सेम लाइक दिस थर्ड सेकेंड यूनिट और हाइड्रोग्राफ, क्योंकि हमें क्या करना है, 6 hour के यूनिट हाइड्रोग्राफ फाइंड आउट करने हैं और हमें दिए हैं सिर्फ 2 hours के. मतलब कि हमें 3 different 2 hours के हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स लेने हैं, फिर उसको टोटल करना है. सो हम थर्ड सेकेंड आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के फाइंड आउट करेंगे जब, तब हम क्या करेंगे, 4 लेफ्ट कर देंगे, मतलब 4 hour को लेफ्ट करेंगे. तो अप टू 4 वो उसको लेफ्ट कर दिया, और 4th hour से हमारा ये डायरेक्ट स्टार्ट होगा. सो वो सेम डिजिट आएंगे, बट हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 4th से, मतलब 0, 1.2, 2.9, 5.2 अप टू 0.0. राइट, सो ये फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर सेकेंड यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारे पास है. हम उसका सम्मेशन कर देंगे, तो सबसे पहले आएगा 0, फिर 1.2, 2.9, उसके बाद आएगा 5.2 प्लस 1.2 मतलब कि 6.4, 8.2 प्लस 2.9 प्लस 0 11.1, 10 प्लस 5.2 प्लस 1.2 16.4, 9.2 प्लस 8.2 प्लस 2.9 20.3, 7.7 प्लस 10 प्लस 5.2 22.9, 6.5 प्लस 9.2 प्लस 8.2 23.9,
5.2 प्लस 7.7 प्लस 10 22.9, 4.2 प्लस 6.5 प्लस 9.2 19.9, 3.1 प्लस 5.2 प्लस 7.7 आएगा 16, 2.3 प्लस 4.2 प्लस 6.5 आएगा 13, 1.5 प्लस 3.1 प्लस 5.2 आएगा 9.8, 0.7 प्लस 2.3 प्लस 4.2 आएगा 7.2, 0 प्लस 1.5 प्लस 3.1 आएगा 4.6, 0.7 प्लस 2.3 आएगा 3, 0 प्लस 1.5 यहाँ पे 0.7 एंड 0। सो ये आपको मिल गए टोटल 6 आवर, बट हाइड्रोग्राफ ऑफ व्हाट, 3 सेंटीमीटर रन ऑफ। ठीक है, हाइड्रोग्राफ हमें 3 सेंटीमीटर रन ऑफ का मिला है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डिनेट्स ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के। मतलब कि अगर हमारे पास 3 सेंटीमीटर रन ऑफ के हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स है, तो उसमें से हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ के 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे। मतलब कि हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, राइट यहाँ पे। सो यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 0, 1.2 डिवाइड बाय 3 0.4 आएगा, 2.9 डिवाइड बाय 3 0.97 आएगा, 6.4 डिवाइड बाय 3 2.13 आएगा, 11.1 डिवाइड बाय 3 3.7 आएगा, 16.4 डिवाइड बाय 3 आएगा 5.46, 20.3 डिवाइड बाय 3 आएगा 6.76, 22.9 डिवाइड बाय 3 आएगा 7.63, 23.9 आएगा डिवाइड बाय 3 7.97, 22.9 डिवाइड बाय 3 आएगा 7.63, 19.9 डिवाइड बाय 3 आएगा 6.63, 16 बाय 3 आएगा 5.33, 13 बाय 3 आएगा 4.33, 9.8 बाय 3 आएगा 3.27, 7.2 डिवाइड बाय 3 आएगा 2.40, 4.6 डिवाइड बाय 3 आएगा 1.53, 3 डिवाइड बाय 3 आएगा 1, 1.5 डिवाइड बाय 3 आएगा 0.5, 0.7 डिवाइड बाय 3 आएगा 0.23 एंड 0। सो ये हमें मिल गए ऑर्डिनेट्स ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले क्या किया, हमारे पास टाइम एंड ऑर्डिनेट्स ऑलरेडी है ही। टाइम हमें 0 से लेके 15 तक का ऑलरेडी दिया था, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, 6 आवर के ऑर्डिनेट्स के फाइंड आउट करने हैं, 6 आवर ऑर्डिनेट के यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम 3 आवर। सो हम लोग क्या करेंगे, 2 2 2 करके हमें 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे उसके। तो सबसे फर्स्ट सेकेंड आवर के हमें दिए है, अब हम सेकेंड आवर के फाइंड आउट करने के लिए 2 गैप छोड़ देंगे उसके बाद लेंगे, उसके बाद 4 आवर छोड़ देंगे, उसके बाद सारे ऑर्डिनेट्स एज इट इज लिखेंगे, तीनों का समेशन करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाय 3 करेंगे। उसके बाद हमें ग्राफ में ये ड्रॉ करना है टाइम वर्सेस डिस्चार्ज, उसके बाद सारे ऑर्डिनेट्स जो जो हमारे पास है उसका ग्राफ रेडी करना है। सो आप देख सकते हो ये है 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ग्राफ, और ये आप देख रहे हो वो है 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ग्राफ। ठीक है, सो आपको ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद ही आपका एग्जाम्पल खत्म होगा। एक और छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं जो GTU में पूछा जाता है। A 12 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट इज अ ट्रायंगुलर इन अ शेप विथ अ बेस विड्थ ऑफ अ 144 आर एंड अ पीक डिस्चार्ज ऑफ अ 23 मीटर क्यूब पर सेकेंड, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ कैचमेंट। सो यहाँ पे यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ ट्रायंगुलर इन अ शेप, राइट, और पीक डिस्चार्ज यहाँ पे दिया है 23 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बेस विड्थ आपको दी है 144 आर, वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर डेप्थ ओवर द कैचमेंट पहले देखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम एरिया ऑफ अ कैचमेंट इंटू 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो एरिया ऑफ अ यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होगा, सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया इंटू 1/100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का करना है। सो 1/2 इंटू बेस है 144, हाइट है 60 इंटू 60 और एरिया है हमारा 23। इंटू
23 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें एरिया मिल जाएगा 596.16 इंटू 10^6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ कैचमेंट इंटू 1 सेंटीमीटर करेंगे। सो एरिया ऑफ अ यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारा ये है, ठीक है, बेस इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, और ये है एरिया इंटू 1 डिवाइड बाई 100। क्यों किया, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर का चाहिए। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे एरिया हमें मिल रहा है 596.16 किलोमीटर स्क्वायर। सो ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल एग्जांपल्स आपको 3 या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं जीटीयू के एग्जाम्स में। अब हम लोग देखेंगे एस हाइड्रोग्राफ। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, अब हम लोग देखेंगे एस हाइड्रोग्राफ। एस हाइड्रोग्राफ में क्या होता है, आपको जो कर्व मिलता है वो एस शेप में मिलता है। ठीक है, सो वो बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूअस इफेक्टिव रेनफॉल जब आता है यूनिफॉर्म रेट में और उसका टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, तब ये एस हाइड्रोग्राफ जनरेट होता है। और एस हाइड्रोग्राफ इसीलिए इसको बोलते हैं बिकॉज वो एस अल्फाबेट जो होता है हमारा, जो एस अल्फाबेट होता है हमारा, उसके जैसा ही उसका शेप होता है। सो फिगर टिपिकली शोज एस हाइड्रोग्राफ। सो इट कैन बी डिलीवर्ड बाय समेशन ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ अ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ सेम। ठीक है, हमारे पास जो यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स है इनफाइनाइट सीरीज में, उसको सम्मेशन करके ही हमें ये एस हाइड्रोग्राफ मिलता है, मतलब उसका हमें कम्युलेटिव करना पड़ता है। सो यूनिट ड्यूरेशन स्पेस एट द सेम यूनिट डायरेक्शन अपार्ट द हेंस द नेम सम्मेशन हाइड्रोग्राफ, राइट। सो इट इज़ अ कर्व विच राइजेस कंटिन्यूसली इन अ फॉर्म ऑफ शेप ऑफ अ लेटर एस, एस की तरह वो राइज होता है। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो। सो ये है एस हाइड्रोग्राफ और ये है यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे 0.1, फिर ये पॉइंट कहाँ कैसे आता है 0+0.2, मतलब ये था इसके साथ ये ऐड कर दिया तो हमें ये पॉइंट मिल गया। सेम एज दिस 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 ऐड करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, फिर इन चारों को ऐड करेंगे तो ऊपर का पॉइंट मिलेगा, फिर अगेन इन पाँचों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, और सबको ऐड कर देंगे तो अप टू एंड जाएगा। सो ये है समेशन ऑफ दिस ऑल यूनिट हाइड्रोग्राफ्स। उसका एक हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे तो आपको और आइडिया आ जाएगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। सो ये है एग्जाम्पल, डिराइव द एस कर्व फॉर अ 4-आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ बिलो। आपको जो हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स दिए हैं उसमें से आपको एस हाइड्रोग्राफ को डिराइव करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे 4-आवर हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइम एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ 4 आवर, वो आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड में दिए हैं। टाइम आपका है 4 आवर के है, मतलब कि 4 आवर का डिस्टेंस होगा एवरी ऑर्डिनेट्स के बीच में, तो 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28, इतने आवर का हमें ऑर्डिनेट्स दिए हैं, वो है 0, 10, 30, 25, 18, 15, 5 एंड 0। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन डेटा है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइमिंग एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ 4 आवर एज इट इज़ लिखना है, मतलब कॉलम 1 एंड 2 तो ऑलरेडी हमारे पास होता ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट ऑर्डिनेट्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड फाइंड आउट कर लेंगे। ऑफसेट ऑर्डिनेट मतलब कि उस सबसे पहला ऑर्डिनेट डैश रहेगा, फिर इन दोनों का सम्मेशन करेंगे 0, इन दोनों का सम्मेशन आएगा 10, 10+30 40, 40+25 65, 65+18 आएगा 83, 83+10 आएगा 93, 93+5 आएगा 98। सो आपको मिल गए ऑफसेट ऑर्डिनेट्स। अब हमें क्या करना है, सेकेंड एंड थर्ड का सम्मेशन करना है, मतलब कॉलम सेकेंड और कॉलम थर्ड इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो जैसे कि सबसे पहले देखिए, कॉलम सेकेंड में 0, 0, 0, 0 रहेगा, 10+0, 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 30+10, 40। ठीक है, 25+40, 65, 18+65, 83, 10+83, 93, 5+93, 98 एंड 0+98 आपको 98 मिलेगा।
तो ये आपका टोटल टेबल रेडी हो गया ऑर्डिनेट्स ऑफ एस कर्व का। टेबल रेडी होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको शो करेंगे ग्राफ में। तो टाइम वर्सेस डिस्चार्ज का हमारे पास जो ग्राफ होता है वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसमें सारे 4 आर ऑर्डिनेट्स को हम लोग शो करेंगे। ठीक है, जितने भी ऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं वो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। सो टाइम वर्सेस डिस्चार्ज का आपको ग्राफ मिल जाएगा, और आप देख सकते हो कि ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो आपको माउंटेन शेप में दिख रहा है, और ये जो S4 एस हाइड्रोग्राफ है वो आपको एस कर्व शेप में दिख रहा है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे आपका हाइड्रोग्राफ एंड हाइटोग्राफ एनालिसिस वाला चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोगों ने ये चैप्टर में रन ऑफ के बारे में पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने ये हाइड्रोग्राफ वाली थियोरी ली थी। हाइटोग्राफ भी आप लोगों ने देख लिया कि हाइटोग्राफ किसको बोलते हैं। ठीक है, हाइटोग्राफ किसको बोलते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस रेनफॉल का जो हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलेंगे हम लोग हाइटोग्राफ्ट। और हाइड्रोग्राफ में क्या होता है, टाइम वर्सेस डिस्चार्ज। ठीक है, टाइम वर्सेस डिस्चार्ज का हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। हम लोगों ने रन ऑफ भी देख लिया, रन ऑफ किसको बोलते हैं कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अकॉर्डिंग टू प्रेसिपिटेशन होता है और जो पानी फ्लो होता है, तो वो पानी में से आधा पानी इनफिल्ट्रेट होता है, आधा पानी ईवेपोरेट होता है। ठीक है, तो इनफिल्ट्रेट ईवेपोरेशन होने के बाद जो एक्सेस वाटर होता है वो ग्राउंड पे मूव करता है, ग्राउंड पे या फिर अंडरग्राउंड में। सो वो जो पानी है उसको हम लोग बोलेंगे रन ऑफ। और रन ऑफ के फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लिए, तो वो रन ऑफ को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन शेप एंड प्रेसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है शेप एंड साइज ऑफ अ कैचमेंट। टोपोग्राफी भी अफेक्ट करता है, जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट अफेक्ट करता है, मेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टर ऑफ कैचमेंट सरफेस होता है, स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट होता है। सो ये जो सारे फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रन ऑफ को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सारी मेथड्स देखी थी, जिसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मेथड थी, इनफिल्ट्रेशन मेथड थी, यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड रैशनल मेथड। सो ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड है उसमें हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोग्राफ सबसे पहले किसको बोलते हैं, तो वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम जो होता है ग्राफ शो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। और यूनिट हाइड्रोग्राफ किसको बोलते हैं, तो 1 सेंटीमीटर रन ऑफ जो बताते हैं यूनिट टाइम में, वो जो रन ऑफ होता है उसको बोलेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर रन ऑफ रिप्रेजेंट करता है। यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑब्जर्प्शंस देख लिए हम लोगों ने, उसकी लिमिटेशंस देख ली, और वो कहाँ पे यूज़ होता है, बेसिकली यूनिट हाइड्रोग्राफ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि अगर हमें सबसे पहले तो फ्लड का फोरकास्टिंग करना है, ठीक है, सो फ्लड का फोरकास्टिंग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करेंगे। और हम लोग कोई हाइड्रोलिक डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की डिज़ाइन, तो उसके लिए हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करेंगे। सो बेसिकली हम लोगों ने ये यूनिट हाइड्रोग्राफ वाली थियोरी लास्ट लेक्चर में ही देख ली थी, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि यूनिट हाइड्रोग्राफ का एग्जांपल कैसे सॉल्व होता है, जो हम लोगों ने एक एग्जांपल लास्ट लेक्चर में देखा था, एक एग्जांपल आज हमने फिर से देख लिया। सो आई होप कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर ईयर का दिया है और आपको अनदर ईयर का ड्रॉ करना है तो आप कैसे करोगे। अगर कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप मुझे कॉल करके या पर्सनली भी पूछ सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने एस हाइड्रोग्राफ के बारे में देखा, एस हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ माउंटेन शेप में होता है एंड एस हाइड्रोग्राफ एस फॉर्म में होता है, इसीलिए उसको एस हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, एस हाइड्रोग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट से, उसका एक एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया है। ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको या आज करवाए हैं वो एग्जांपल GTU के सिलेबस के हिसाब से है। GTU एग्ज़ाम में ये सारे एग्जांपल्स जो है वो पूछे जाते हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने आपको ये सब करवाया है।
आज का जो ये जो यूनिट नंबर 2 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।